दो कंपनीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं अशोक लीलैंड एंड टाटा मोटर्स हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा ही डिटेल्ड बन जाए बट जरूर देखिएगा पूरा वीडियो इफ यू आर ऑलरेडी अ शेयर होल्डर ऑफ टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड और मे बी इन फ्यूचर यू वॉन्ट टू हैव एन इन्वेस्टमेंट एलोकेशन टूवर्ड्स दीज कंपनीज आई एम नॉट सजेस्टिंग टू गो इन एंड इन्वेस्ट दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन काइंड ऑफ वीडियो जो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बनाने की कोशिश करने वाला हूं तो पहले ओवरऑल uh, सिनारियो uh, कैसा नजर आ रहा है कमर्शियल व्हीकल का लास्ट तीन सालों में क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में बताऊंगा देन चीजें कैसे अभी चेंज हो रही है उसके बारे में बताऊंगा मार्केट शेयर के बारे में बात करेंगे स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स एंड अशोक लीलैंड के uh, के साथ एंड देन अशोक लीलैंड के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे एंड टाटा मोटर्स के बारे में भी थोड़ी सी बातें करेंगे ये दो uh, स्टॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहते हैं बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं रिसेंट पास्ट में लास्ट सिक्स सेवन मंथ्स में काफी अच्छी रैलीज भी हमने इन दोनों स्टॉक्स में देखी है सो so, आने वाले समय में क्या क्या चीजें हो सकती है इसके बारे में एक अच्छा आइडिया आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू मिल सकता है सो so, पहले बताएंगे कि थ्री रीजंस कि भाई ये आ, जो लास्ट तीन सालों में एक स्लो डाउन काइंड ऑफ देखा है हमने कमर्शियल व्हीकल्स में आ, सबसे पहले उसके की रीजंस क्या है फॉर द सबड्यूड काइंड ऑफ डिमांड इन लास्ट थ्री इयर्स तो पहला था उन एंड इमिकेशन किया या फिर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन किया तो उसके भी साइड इफेक्ट नॉर्मली दो तीन साल रहती है तो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली जीडीपी पे देखा गया और उस वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी एन ऑल दो आई थिंक रिफ्लेक्टिंग द सेम थिंग भी एक

कुछ फैक्टर्स है जैसे कि आई एल क्राइसिस हुआ तो पैसा रेज करने में प्रॉब्लम हो रहा था एनपीएस के इश्यूज बहुत ज्यादा थे तो ऑटोमेटिकली बैंक्स हो या हो जो अच्छे लोन से जहां से अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है तो वो नॉर्मली कम नहीं करते सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई देर वॉज अबड्यूड काइंड ऑफ डिमांड बिकॉज देर वॉज नो इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन हैपनिंग देन थर्ड वन वॉज डिक्लाइन इन ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रक मतलब लो फ्लीट यूटिलाइजेशन नॉर्मली अगर फ्लीट ऑपरेटर पैसा कब कमाता है तो मोर देन सेवेंटी परसेंट अगर यूटिलाइज होती है उसकी ट्रक तो ही वो वहां पे पैसा कमा सकता है अगर सेवेंटी परसेंट से नीचे उस ट्रक का यूटिलाइजेशन होता है इट मींस दैट पर्टिकुलर ट्रक इज नॉट प्रॉफिटेबल सो यहां पे एफ आई सिक्सटीन में पर ट्रक uh, के हिसाब से अगर हम बातें करते हैं आफ्टर पेइंग ई एम आईज थिंग्स ऑल दो ट्रक ओनर्स है उनके सो अराउंड 4.4 लाख रुपीस कमा रहे थे ये ट्रक uh, जो ओनर्स है ये फ्लीट ऑपरेटर्स जो है तो यहां ये पर्टिकुलर नंबर एफ आई ट्वेंटी में नीचे uh, आया है टू द लॉस ऑफ ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड रुपीज मतलब जहां पे एक ट्रक के पीछे 4.4 लाख रुपीस कमा रहे थे ये फ्लीट ऑपरेटर्स वहीं पे ये पेटीन का नंबर था 4.4 डाउन टूवर्ड्स लॉस ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड पर ट्रक और यही सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल्स के सेल्स नहीं हो रहे थे अब यहां आप बोलोगे कि भाई नए व्हीकल्स क्यों सेल होंगे एंड मतलब अगर अच्छा भी होता प्रॉफिट भी होता तो वो नए क्यों लेते तो वहां पर रिप्लेसमेंट डिमांड आ जाती है वंस आर डूइंग वेल देन यू ट्राई एंड थिंग्स तो ये बट अभी अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा आउटलुक जो है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए वो इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है शार्प रिकवरी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी पोस्ट लॉकडाउन स्पेसिफिकली अगर माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हम देखते हैं तो वहां पे एक अच्छा अपटर्न आता हुआ नजर आ रहा है फ्लीट ऑपरेटर्स हैव टर्न प्रॉफिटेबल एज ऑफ नवंबर 2020 मतलब जो भी उनका ब्रेकि वन है वो उसके ऊपर अभी जा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी आनी शुरू हो चुकी है उसका रीजन है बिकॉज द यूटिलाइजेशन रेट इज मोर देन 70% परसेंट नाउ so यहां जब भी यूटिलाइजेशन रेट मोर देन 70% परसेंट आता है फ्लिट यूटिलाइजेशन तो उसके बाद आती है रिप्लेसमेंट डिमांड नॉर्मली हमने देखा है ये सो दैट पर्टिकुलर डिमांड

अच्छे दिन आने वाले हैं फॉर ट्रक इंडस्ट्री कमर्शियल व्हीकल्स इंडस्ट्री अगर मीडियम एंड हेवी कमर्शियल सेगमेंट की हम बात करते हैं तो उसमें 50 परसेंट का मार्केट शेयर टाटा मोटर्स के पास है 32 परसेंट का मार्केट शेयर अशोक लीलैंड के पास है एंड 13 परसेंट का मार्केट शेयर वॉल्वो आइशर कमर्शियल वेहीकल्स है बचा हुआ जो भी फाइव का मार्केट शेयर है वो बाकी कंपनीज के पास है अगर ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल्स की हम बात करते हैं तो वहां पर लाइट कमर्शियल व्हीकल्स भी आएंगे मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स आएंगे हाई हेवी कमर्शियल व्हीकल्स आएंगे तो उसमें 42 का मार्केट शेयर जो है वो टाटा मोटर्स का है। अशोक लेलैंड इज एट 28 परसेंट uh, सॉरी अशोक लेलैंड इज एट 16 परसेंट महिंद्रा एंड महिंद्रा इज एट 28 परसेंट एंड अदर कंपनीज आर हैविंग अराउंड 12 परसेंट काइंड ऑफ मार्केट शेयर तो ओवरऑल अगर हम यहां पे आ, देखते हैं सो लुक्स लाइक की आ, जो मेन प्लेयर्स है मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में वो है अशोक लील एंड टाटा मोटर्स तो वैसे यहां पे अगर ये ब्रेक इवन होता हुआ हो, नजर आएगा सो रिप्लेसमेंट डिमांड वापस आ सकती है सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर बोथ दीज तो यहां पे मैं आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा एनालिसिस अच्छा लगा होगा इफ यू फील कि हम अच्छा काम कर करें तो जरूर हमारी वेबसाइट इन्वेस्ट को विजिट कीजिएगा दोस्तों वहां पर जाकर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज हमारे स्टॉकोमीटर uh, प्लस या फिर एम एफ एन जो रिसर्च प्रोडक्ट्स है उनको सब्सक्राइब कर सकते हो वहां पर uh, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी अवेलेबल है अगर आपको कुछ क्वेरीज है इन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड तो आप हमें कॉल कर सकते हो ई लिख सकते हो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज रिगार्डिंग दैट तो ऐसे वीडियोज के लिए इस चैनल पर बने रही और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आगे दीजिए दोस्तों जय हिंद